हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने टॉपिक चूज किया वो है आपका बकिंगम पाई थ्योरम। तो आज मैं इस वीडियो में जो है आपको बकिंगम पाई थ्योरम की जो डेरिवेशन है उसके बारे में आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो बकिंगम पाई थ्योरम जो है एक्चुअली में उसका जो हम जो यूज किस लिए करते हैं, उसका एक्चुअली मेन कंसेप्ट क्या है। तो जो इसकी जो डेरिवेशन है वो तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें जिनके अंदर जो है आपको जो बकिंगम पाई थ्योरम की जो डेरिवेशन है वो पूरी आपको जो बुक्स में दी हुई है। लेकिन मेन चीज है कि विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन हम जो है मतलब क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बकिंगम पाई थ्योरम के अंदर जो है हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना के अंदर जो है हम उसकी जो डायमेंशनलेस जो उसकी क्वांटिटी है उसको जो हम फाइंड आउट करने का काम करते हैं, या फिर जो जो हमारी डायमेंशनलेस वेरिएबल है उनको जो हम फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो बकिंगम पाई थ्योरम है उसमें पाई की जो टर्म है वो हम किस तरीके से जो है फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी क्वांटिटी है, जितनी भी क्वांटिटी है उस फिजिकल फिनोमेना के अंदर, उसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है उनको किस तरीके से जो है फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जो आज एग्जांपल लिया है, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि सपोज एक मेरा पाइप है और उस पाइप में जो है मेरा जो कोई भी जो फ्लूड है वो जो है उस पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो मेरा पाइप है उसका डायमीटर होगा, तो जो पाइप है उसका जो डायमीटर उसको मैंने कैपिटल डी ले लिया, और जो मेरा जो फ्लूड है जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी ले लिया है, और जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है मेरा वो मैंने पी ले लिया, और जो फ्लूड है उसकी डेंसिटी है उसको मैंने रो ले लिया, और पाइप का जो मटेरियल है और जो मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है उसके बीच में जो मेरा फ्रिक्शन होगा तो मैंने वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लिया, म्यू मैंने इसमें ले लिया, और पाइप की जो लेंथ है वो मैंने एल ले ली है, ठीक है ना। तो जो मेरी जो क्वांटिटीज हैं इसमें, जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी इस फिनोमेना के अंदर जो मेरी है इसमें, तो उसमें आपका डायमीटर हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, रो हो गया, एल हो गया, दीज आर द वेरिएबल्स, ये सारे के सारे जो है मेरे वेरिएबल हैं। तो अगर मुझे पाई के टर्म निकालनी है इसमें जितने भी मेरे वेरिएबल है, तो इसमें टोटल जो मेरे वेरिएबल है उससे माइनस कर दूंगा मैं आपका फंडामेंटल डायमेंशंस को। तो अगर मुझे पाई की टर्म निकालनी है तो उसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जो टोटल वेरिएबल्स मेरे हैं उसमें से जो है मैं जो फंडामेंटल जो मेरे डायमेंशंस हैं उनको उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं जो है अपनी पाई की जो टर्म है जो मेरी ये जो डायमेंशनलेस जो मेरे वेरिएबल्स हैं जो डायमेंशनलेस जो मेरी क्वांटिटीज हैं उनको जो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहली बात तो है जो मेरा फ्लूड जो है इसमें फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर वो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो उसमें जो टोटल वेरिएबल है इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होगा आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भाई अब जो हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है पाइप में हमको देखना पड़ेगा कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो जाहिर सी बात अगर देखा जाए तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरा प्रेशर है इस पाइप में जो मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है उसमें जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मेरा जो है वो क्या है आपका प्रेशर है, ठीक है ना। बाकी जो है मेरे जो है जैसे डायमीटर हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, रो होगा, व्यू है, ये जो है मेरे ये जो होंगे मेरे ये मेरे इनडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मेरा जो डायमीटर है और जो मेरा लेंथ है ये मेरे फंडामेंटल डायमेंशन है, तो मैंने जो है यहाँ से डी और एल जो है इनको मैंने फंडामेंटल डायमेंशन बता दिया, और जो मेरा पी जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये मेरा डी वी रो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आपका जो लेंथ है ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अगर मुझे पाई की टर्म निकालनी है, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी अगर मुझे निकालनी है, तो उसमें जो है पाई की टर्म में मैं लेके चलूंगा तो टोटल वेरिएबल कितने हुए। तो टोटल वेरिएबल अगर मैं देखूँ इसके अंदर जो मेरे हैं जब फ्लूड जो है फ्लो कर रहा है पाइप में से, तो उसमें टोटल वेरिएबल मेरे जो होंगे वो सिक्स हैं। तो डायमीटर हो गया, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, और रो हो गया, म्यू हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आपका लेंथ ऑफ द पाइप हो गया, तो मेरे सिक्स। और उसमें जो फंडामेंटल जो मेरी डायमेंशन है वो मेरी इसके अंदर दो है,
तो मैंने 2 कर दिया, तो इसमें 6 माइनस 2 तो इसमें मेरा आ गया इक्वल टू आपका 4। इसका मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल हैं इसमें जो मेरी डायमेंशनलेस जो मेरे क्वांटिटी है तो पाई के टर्म में जो मेरी 4 है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना के अंदर जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बकिंगम पाई थ्योरम। तो आज जो है मैंने आपको बकिंगम पाई थ्योरम का जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है कि जो बकिंगम पाई थ्योरम जो है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो उसको मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि बकिंगम पाई थ्योरम जो है उसका जो चूज हम इसीलिए करते हैं कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना के अंदर जो है जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसमें जो है मेरे डायमेंशनलेस जो क्वांटिटीज है उनको वो फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है उसमें आपका बकिंगम पाई थ्योरम की हेल्प के थ्रू जो है हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको जो मैंने आज कंसेप्ट ऑफ बकिंगम थ्योरम जो मैंने आज आपको समझाया है आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू।